हाय फ्रेंड्स, आज जो आप सब एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो रिलेटेड है ऑडिशन टेक्निक्स को लेकर कि हाउ टू गिव ऑडिशंस और ऑडिशन देते वक्त आप अपनी नर्वसनेस को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप ऑडिशंस देने जाते हैं आपका बिहेवियर बहुत नॉर्मली होना चाहिए, आप नर्वस नहीं होने चाहिए। कई लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, उनके बिहेवियर में बहुत अजीब सी हलचल हो जाती है। आप नॉर्मली जाइए कि मैं ऑडिशन देता हूँ, अपना बेस्ट दूंगा और जो होगा सो देखा जाएगा। स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है, आप स्क्रिप्ट का सबसे पहले थॉट सोचिए कि हर शब्द, हर लाइन, हर कहानी, हर स्टेंजा कुछ ना कुछ कहता है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस तरह का थॉट है और उस सिचुएशन में अपने आप को रखने की कोशिश कीजिए कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ होती तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती, मेरे हाथ कैसे हिलते, मैं कैसे एक्शन करता, मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे होता। तो अपने आप को सिचुएशन पर रख के सोचिए और नॉर्मली बिहेव कीजिए, सबसे पहले ये जरूरी है। माना आपको स्क्रिप्ट याद हो गई और आप ऑडिशन देते वक्त कैमरे के सामने आए, जब आपका टर्न आया आपने पहले तो कुछ लाइंस बड़ी परफेक्टली बोल दी, उसके बाद आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है और लाइंस आप भूल जाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है, आपको अगर स्क्रिप्ट का थॉट याद है तो आप उसको इम्प्रोवाइज करके बोल दीजिए। इम्प्रोवाइजेशन से आपका जो रिएक्शंस है वो शायद और अच्छे आ जाए, और इम्प्रोवाइजेशन करना कोई बुरी बात नहीं है। बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट लाइंस भूलता है और इम्प्रोवाइज करके अपनी चीजों को पोर्ट्रे कर देता है। अगर आपको स्क्रिप्ट का थॉट, उसकी करेक्टराइजेशन की पूरी नॉलेज हो जाएगी, उसको आप पूरा इमेजिन कर लेंगे तो आपको इम्प्रोवाइजेशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और फेथ रखिए, बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, कैमरे के सामने कभी कभी अपनी लाइनें भूल जाते हैं और चीज़ों को इम्प्रोवाइज करके बोल देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी जब लोग ऑडिशन देने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने साथ आए हुए लोगों को, जो यानी कि उनके जो को एक्टर्स हैं, उनकी लाइंस पर गौर करते हैं कि यार इसकी लाइंस इजी है, मेरी लाइन टफ है। आप अपनी लाइंस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, छोटी मिली है या बड़ी इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं वो आपके थोड़े से जेस्टर, थोड़े से बोलने पे ही समझ जाते हैं कि ये बच्चा या ये एस्पायरिंग एक्टर कितने पानी में है, ये कितना अच्छा एक्टर है। और ये बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है, हम जाते हैं अगर ऑडिशन देने लोग जा रहे हैं तो क्या होता है, किसी को आर्टिस्ट ने आपसे पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, फिर आपका टर्न आने वाला है तो आपको लगा भैया इसने तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर दिया है लेकिन मेरे को इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती है। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। एस्पायरिंग एक्टर के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आप को पहले ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो मत कीजिए, आप अपनी लाइन्स, अपनी थॉट, अपने करेक्टराइजेशन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और जब आप कैमरे के सामने, एक ऑब्जेक्ट की तरह कैमरा आपके सामने है, लेकिन इमेजिन आपको करना है कि वो आपका को आर्टिस्ट है क्योंकि आप उससे बात कर रहे हैं, आपको कैमरे के फ्रंट में बोलना है, तो ये सोचिए कि मैं बेस्ट हूं, अपना बेस्ट दे रहा हूं, मुझे को आर्टिस्ट की लाइन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा करेक्टराइजेशन सिंक होना बहुत जरूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अपनी को आर्टिस्ट की अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस को बिल्कुल भूल जाइए, आप अपना बेस्ट दीजिए। आप ऑडिशन देने गए, आपका लुक किसी करेक्टर से मैच करता है, आपको असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर्स या कास्टिंग डायरेक्टर की टीम में से आपको आपके समझाया जाता है कि आपको ये कुछ लाइनें पोर्ट्रे करनी है, आपका करेक्टर ये है, और आपको पूरा पेज देख के चले जाते हैं, आपको सीन की थॉट वैसे समझा दी जाती है। एंड उसके बाद आप देखिए ऊपर की जो नीचे ऊपर नीचे लाइनें जो और अदर करेक्टर्स की लिखी हुई हैं उनको पढ़ डालिए अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है। कई बार ऑडिशन में ज्यादा टाइम मिल जाता है, आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, तो क्या होता है आप पूरा पेज पढ़िए पहले, सबसे पहले उस पूरे सीन को अपने पूरे माइंड में एक स्क्रीन प्ले की तरह डिजाइन कर लीजिए कि देखिए कि ये ऐसा हो रहा है सीन में और मेरा रोल, मेरी अभिनय जो है, मेरा जो पात्र है, मेरा जो करेक्टर है वो ये है, वो इस तरह से बात करता है, वो इस तरह से सोचता है। आपको बड़ा हेल्प होगा जब आपके दिमाग में पूरा सीन डिजाइन हो जाएगा तो क्या होगा, आप लाइंस को इम्प्रोवाइज करके बोल सकेंगे, पूरे सीन का अच्छा करेक्टराइजेशन अपने अपना बेस्ट दे सकेंगे आप, और आपकी नर्वसनेस भी कम होगी क्योंकि आप अपने को आर्टिस्ट की लाइंस को समझ रहे हैं, उन उस पूरे सीन के सिनेरियो को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं।
ये आपको बहुत हेल्प करता है एक अच्छी करेक्टराइजेशन को बेस्ट वे में पोर्ट्रे करने के लिए। और कभी कभी क्या होता है, सिर्फ आपको सिंगल आपके ही करेक्टर की लाइंस मिल जाती हैं। ये चार पांच लाइनें हैं, आपका करेक्टर है, माना आपका एक करेक्टर लॉयर का है, आपको उस करेक्टर का थॉट समझाया गया कि इस लॉयर की नेचर ऐसी है, ये लॉयर इस तरह की नेचर का है, कास्टिंग डायरेक्टर आपको समझा देते हैं। अच्छी टीम हमेशा अपनी जो आर्टिस्ट को कंफर्टेबल जोन में रख के आपको एक कंफर्ट देते हैं कि वो आपको समझाते हैं सीन का थॉट कि ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये आपका करेक्टर है, कुछ ध्यान से सुनिए। और नर्वस मत होइए उससे, बार बार अगर आप रिपीट करके पूछेंगे तो वो नर्वस हो जाएंगे। उस वक्त आपको क्या करना है, आपको उन्होंने सीन समझा दिया, आप लाइंस को पूरा पढ़ना शुरू कीजिए और दिमाग के अंदर अपनी आइडेंटिटी को भूल कर कि यस मैं मोहन हूँ, प्रकाश हूँ या मैं कमल हूँ, मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, उस करेक्टर के साँचे में पूरा सा पूरा ढल जाइए। ऑडिशन देते वक्त आपको टाइम मिलता है, किसी कोने पे चले जाइए और आप इमेजिन कर लीजिए कि मैं ही वो करेक्टर हूँ, मेरी जिंदगी का ये हिस्सा, ये डायलॉग मेरी जिंदगी का हिस्सा है जिसे सिर्फ मैं राइट नाउ कैमरे के सामने बोलने जा रहा हूँ। और आपको ये बहुत हेल्प करेगा और आपको फोकस करके अपनी लाइनें याद करनी है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, जितना बार अकेले रहकर, जितना शांत रहकर अगर आप अपनी लाइंस को याद करेंगे आपको वो बहुत अच्छे तरीके से याद होंगी। माना अगर आप ऑडिशन देने गए और आप ही सिर्फ अकेले ऑडिशन देने वाले हैं और सिर्फ 10 मिनट का टाइम है बचा है और आपको ऑडिशन देना है, टाइम कम है, तो क्या कीजिए, अपनी लाइंस को आप पहले याद कर दीजिए। आपको करेक्टर का थॉट पता है, आपके पास आज के पास सभी के पास स्मार्टफोन है, आप उस लाइंस को अपने मोबाइल पे वॉइस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको सुनिए। क्या होगा, 10 मिनट में अगर आप 4 बार उसको रिकॉर्ड करके अपने सुन लेते हैं अपने ही कानों पर लगाकर मोबाइल, तो आपकी बोली हुई लाइन आपकी ही कानों में रिपीट होंगी। तो इससे क्या होगा, करेक्टर आपने बोला है एक, आपको पता चल जाएगा मैंने करेक्टर के साथ कितना इंसाफ किया, उसको कितने अच्छे ढंग से मेरी वॉइस ने पोर्ट्रे किया है, उसको आप सुनेंगे तो आपकी कमियां आपको खुद पता चल जाएगी। और जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, आपके अंदर निखार आ जाएगा और ऑडिशन देते वक्त आप और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ऑडिशन देते वक्त आप जब कैमरे के सामने आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जैसे कास्टिंग डायरेक्टर ने एक्शन बोला, आपने बोलना शुरू किया, आपने अपना डायलॉग कंप्लीट कर लिया। और कभी कभी लोग क्या करते हैं कि कट हुआ नहीं, आपने डायलॉग बोला और आपने कैमरामैन जो कास्टिंग डायरेक्टर को देखना शुरू कर दिया। शायद कास्टिंग डायरेक्टर आपके एक्सप्रेशन देखना चाहता है, वो आपके पॉजेज या आपकी अहमियत वो देखना चाहता है कि आप ऑडिशन पे कितने परफेक्ट हैं। तो आपको दोनों चीजों का वेट करना है, एक्शन का भी, एक्शन होने के एकदम मत बाद शुरू हो जाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए 2-4 सेकंड आप एक्शन के बाद, क्योंकि जब आपकी चीजें देखी जाएंगी कैमरे में तो उनको भी आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका कैरेक्टराइजेशन समझने का टाइम चाहिए। तो जब एक्शन हुआ है उसके 2-3 सेकंड बाद शुरू कीजिए और कट का भी वेट कीजिए। कई लोग अपने आप ही छोड़ देते हैं, या आपकी लाइंस कंप्लीट हो गई, आपने एक्सप्रेशन ही छोड़ दिए। नो, जस्ट वेट कि जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो कट बोलते हैं, तो आप रिलैक्स हो जाइए, अपने एक्सप्रेशन को छोड़ दीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपका प्रोफेशनलिज्म रिएक्ट होता है कि आप कितने बढ़िया आर्टिस्ट हैं। एक और चीज, आप एक्टिंग करते, ऑडिशन दे रहे हैं आप, ठीक है, आपके बीच में आपने फंबलिंग कर दी, हो गई फंबलिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। अगर कास्टिंग डायरेक्टर को लगेगा कि ये फंबलिंग वर्क कर जाएगी तो वो कुछ नहीं करेगा, लगेगा कि लगेगा उसको कि फंबलिंग ज्यादा हो गई है तो वो आपको टोक देगा कि नहीं आप एक बार दोबारा ले लीजिए। तो आप फंबलिंग को लेके भी इतना ज्यादा कॉन्शियस मत रहिए कि नहीं मेरे से गलती होगी, आगे बढ़िए। तो ये ध्यान रखिए, कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको मालूम होता है कि ये फंबलिंग वर्क कर जाएगी और वो आपको कोई टेंशन नहीं देंगे, तो फील रिलैक्स। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यानी एडवर्टाइजमेंट की दुनिया की, उसके ऑडिशन भी बहुत लाजवाब होते हैं। दिल्ली हो या मुंबई, ये सेगमेंट काफी, ये मार्केट काफी बढ़ रही है और लोगों को बुलाया जाता है ऑडिशन देने के लिए। लेकिन इस तरह के ऑडिशन में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि आप कितने एक्सप्रेसिव हैं, आप उस एडवर्टाइजिंग के करेक्टराइजेशन में सूट करते हैं, दैट्स फाइन, अगर नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका लुक मैच करता है, लेकिन आपका एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है। आपको ऑडिशन देते वक्त ध्यान रखना है कि इस कमर्शियल का थॉट, एक कॉफी है, चॉकलेट है, एक मोबाइल है, इसमें मुझे किस तरह के एक्सप्रेशन देने हैं।
तो आपका एक्सप्रेसिव होना इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग कभी कभी सिर्फ डायलॉग्स की एक्टिंग सीखते रहते हैं, डायलॉग डायलॉग सीखते रहे लेकिन एक्सप्रेशन पे काम नहीं करते हैं। मूक एक्सप्रेशन यानी कि एक जो सॉफ्ट एक्सप्रेशन और हार्ड एक्सप्रेशन की अपने आप में एक दुनिया है जो कमर्शियल्स की दुनिया में बहुत काम आती है। तो आपको अगर ऑडिशंस प्रिपेयर ऑडिशन कमर्शियल ऑडिशंस के लिए प्रिपेयर होना है यानी कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, बिना डायलॉग के जो आप अपनी आंखों से बातें कह जाते हैं वो आपके अंदर आर्ट होनी चाहिए। और इसके लिए एक्सप्रेशंस की कुछ लाजवाब एक्सरसाइजेस होती हैं, उन पर आप जरूर काम कीजिए। अक्सर ऑडिशंस में मैंने भी देखा है कि लोग ऑडिशन देने आते हैं, कई बार उनका लुक मैच नहीं होता तो वो कास्टिंग डायरेक्टर के साथ फाइट करते हैं। नहीं, देखिए आपने पिक्स भेजी, उन्होंने आपको बुलाया, कभी कभी आपका लुक मैच कर जाता है। फोटो में देखने और सामने देखने में फर्क होता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप उनसे आर्ग्यू मत कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और कास्टिंग डायरेक्टर से आप अच्छे रिलेशन रखिए, अगर आप उनसे अच्छे वे में पेश आएंगे तो आगे भी आपकी उनसे पॉजिटिव मुलाकात होगी। एक और चीज, अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हैं, आपने ऑडिशन दे दिया तो बार बार लोग पूछते हैं कैसा रहा सर, मैंने कैसे दिया, अच्छा था। अरे आप कुछ मत पूछिए, आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपके सामने होगा। तो किसी के आगे जब आप ओवर एक्साइटेड अपने आप को पेश करेंगे ना तो आपसे इरिटेट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपकी किस्मत में वो ऑडिशन से आपका काम पाना लिखा है तो कोई नहीं रोक सकता। और फेथ रखिए, जो आपकी किस्मत में है वो आपको 100% मिलेगा और आप हमेशा अपना बेस्ट देते रहिए। अगर मेरा ये वीडियो, कमल चौधरी का ये वीडियो अगर आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में दिखता है तो शेयर करें ताकि एस्पायरिंग एक्टर्स को ऑडिशन टेक्निक्स में हेल्प मिल सके। अगर आप फेसबुक पे इसको देखते हैं तो शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज द सिनेमैटिक लाइफ को ज़रूर लाइक करें, हमारा यूट्यूब चैनल है द सिनेमैटिक लाइफ उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिंग से जुड़े हुए बेनिफिशियल वीडियो आपको दिख सकें। और इसके साथ आपसे एक और निवेदन कि कैन फिल्म्स मेरे स्टूडेंट्स का एक लाजवाब ग्रुप है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, उनके फेसबुक पेज को लाइक करें कैन फिल्म्स, एंड यूट्यूब पे उनका चैनल है, सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म्स लेकर आते हैं, उनके यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ कि जिंदगी के किसी न किसी सिनेमैटिक मोड पे मेरी आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, तब तक के लिए अलविदा।